यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले मिल्कीपुर सीट से सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पर मुकदमा दर्ज होने से सियासत गर्मा गई है। दरअसल सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के साथ 10 से 15 लोगों पर अयोध्या नगर कोतवाली में अपहरण, मारपीट और धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ है। पूरा विवाद एक जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर है। ये मुकदमा रवि तिवारी नाम के युवक की तहरीर पर दर्ज हुआ है। आरोप है कि अजीत प्रसाद बीते शनिवार को 5 से 6 गाड़ियों से आए और उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में उठा ले गए, उनके साथ मारपीट की। वहीं पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर जाँच की जा रही है। शुरुआती जाँच में जमीन खरीद फरोख्त और अजीत प्रसाद की गाड़ी CCTV में जाती हुई दिखाई दी है और ये भी दिख रहा है कि गाड़ी में रवि को ले जाया जा रहा है। यह प्रकरण थाना कोतवाली नगर का है। इस प्रकरण में वादी द्वारा दिनांक 21/9/2024 को आरोपी गण के विरुद्ध उसे बंधक बनाकर ले जाने व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी जांच के क्रम में CCTV फुटेज से पाया गया कि वादी द्वारा अंकित समय पर आरोपी गण 5 गाड़ियों के साथ घटना स्थल पर जा रहे हैं एवं वादी को साथ ले जा रहे हैं। वादी द्वारा अंकित जमीन के संबंध में जांच करने पर विक्रेता द्वारा आरोपी को जमीन लिखने की बात बताई जा रही है। प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गुणदोष के आधार पर समेकित साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं बेटे अजीत प्रसाद पर मुकदमा दर्ज होने के बाद अवधेश प्रसाद ने कहा कि आरोप पूरी तरह से निराधार हैं, झूठे हैं, राजनीति से प्रेरित हैं। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है अजीत को, हम जीत रहे हैं, जिससे भाजपा भयभीत है। मुकदमा बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है और गलत है। सच बात यह है कि मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है और जिसमें हमारा बेटा अजीत प्रसाद को माननीय अखिलेश यादव जी ने पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को कार्यालय में बुलाकर उनकी आम सहमत के आधार पर, सर्वसम्मत निर्णय के आधार पर हमारे बेटे अजीत प्रसाद को हमारी वो सीट जिसको मैंने 12 जून को सांसद बनने के बाद खाली कर दिया था उस पर चुनाव होना है और उम्मीदवार हमारा बेटा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उसको जानकारी है कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कामयाब नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार 3-4 मीटिंगें यहां की है, उसका कोई रिस्पांस नहीं है, बल्कि उल्टा रिस्पांस है। 1 महीना से 1 दर्जन के मंत्री लगाए गए हैं चुनाव प्रचार में लेकिन किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं है। इनको इस बात की जानकारी है कि जिस तरह से अवधेश प्रसाद 54 फैजाबाद जनपद अयोध्या से लोकसभा सीट जीते हैं और जिसकी चर्चा केवल अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में और देश में नहीं सारी दुनिया में है और जिस सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी दम भरती थी, खम भरती थी कि हम कुलराम को लाए हैं और हमें कोई हटा नहीं पाएगा और वो सीट जीत करके आज इसको, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम चुनाव बुरी तरह हारेंगे तो इसीलिए उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर निराधार, असत्य और गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है, उसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24।